हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, आज ये जो ब्लॉग है वो गोवर्धन पूजा के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मथुरा से बिलोंग करती हूं और मथुरा में ही गोवर्धन है, जो रियल वाले गोवर्धन है वो यहीं पर हैं। तो यहाँ पर इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमारे लिए इसका महत्व बहुत हो जाता है। और इस दिन बनती है अन्नकूट की सब्जी, जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये है मिक्स सब्जी होती है, इसमें सारी सब्जियाँ मिक्स होती हैं और चावल, कढ़ी और रोटी, ये आज के दिन बनाया जाता है। और ये है हमारे प्यारा सा मंदिर जो मैंने सजाया था। मैंने सोचा एक बार आपको और दिखा देती हूँ, जो आपने दिवाली वाले ब्लॉग में तो देखा ही होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली 5 दिन का त्यौहार है और 5ों दिन मिठाइयों का खूब भरमार रहती है और इतने बोर हो जाते हैं मिठाई खा खा के कि पूछो मत। तो यहाँ पे आज रोटी खाई थी, बहुत टेस्टी रोटी, कढ़ी चावल और अन्नकूट की सब्जी, बहुत ही अच्छा था। ये मेरा फेवरेट है, मतलब एक साल में मुझे इसका इंतज़ार रहता है खाने का। बहुत ही टेस्टी होती है अन्नकूट की सब्जी और कढ़ी भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने तो पेट भर के खाया। और उसके बाद शाम को मैंने बनाया था हमारे गोवर्धन बाबा, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ मास्क वास्क लगा के। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ही खुद अपने हाथों से बनाया है, तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।